संतो, ओ संतो जी आई, जल्दी आ जा मेरे यार। हो गए तैयार आप? अजी इब्बे कहाँ, इब्बे तो हमारी खास तैयारी बाकी है। अजी छोड़ो, बात बात पे हमारी जान ना लिया करो, कोई दिखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? यो ही कहेगा ना कि 22 साल बाद भी दोनों में कितना गाढ़ा प्यार है। बस बस, आपको तो प्यार का मास्टर होना चाहिए था। ये लो मीठा मुंह करो। ले मुंह खोलिए। आज 12 साल तक ये मुकाबला में जीतता आ रहा हूं, पर तेरा वो लाडला एक बेबी मेरे गेल नहीं गया। कहाँ है वो? जी यो बात तो मन नहीं पूछनी चाहिए आपते, आपके लाड प्यार नहीं तो बिगाड़ रखा उसको। और तेरी ममता ने तो सारे गांव के सिर पे चढ़ा रखा है। खैर मैं चलता हूँ। अजी सुनो, ऑल द बेस्ट। बावड़ी। चाची। हा? राम राम चाची। जी तारो बेटा, जी तारो। चाची मेरा ब्याह है 10 तारीख का। अच्छा, बोले शादी का कार्ड, ये लो पीले चावल। चाची वो मेरा यार नहीं दिख रहा विजय। अरे बेटा जीप तो उसे मोटरसाइकिल दुआई है ना, वो और उसकी मोटरसाइकिल बस दोनों ही शहर में रहे हैं, पता ना कित मटर गस्ती करता फिरता होगा। विके, तेरी बाइक तो गई बेटा। अगर मेरी बाइक को कुछ हुआ ना मैक्स, तो मैं इसकी बाइक की बैंड बजा दूंगा। अरे यार पायल, जब तू उसे इतना ही चाहती है तो उसे बता क्यों नहीं देती? कोई फायदा नहीं पूजा, और वैसे भी आज मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। तो फिर क्या तू उसे भूल जाएगी? ना, कभी नहीं, मैं हमेशा उसे चाहती रहूंगी और हमेशा उसके ख्वाबों में खोई रहूंगी। तो भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी मीरपुर गांव के चौधरी धर्म सिंह का पलड़ा भारी दिखे से। बिना मुकाबला लड़े आप इस बात ने ना कह सको किसका पलड़ा भारी है और किसका ना। किंतु इंदर भाई चौधरी साहब ये मुकाबला 12 साल तक जीतते आ रहे हैं। 12 साल से ये मुकाबला सिर्फ इसलिए जीतते आ रहे हैं, आज तक कोई भी दमदार दावेदार नहीं मिला इनको। मेरी ओर से जग्गा पहलवान मुकाबला लड़ेगा। Ho 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 ho
एक दो तीन बस चौधरी, इस पहलवान के दम पे दावे कर रहे थे इसके जो एक ही मार में उठ ना सका। है कोई भरे पंडाल में जो चौधरी की इज्जत रख सके? पिया है किसने ने मां का दूध? चौधरी, तेरे गांव में तो किसने ने मां का दूध ही नहीं पिया, फिर बड़ा लड़ेंगे के। हैं? विजय, एक दो और ये तीन। आज आप इस पंडाल से जीत का सेहरा लेकर नहीं जा सकते चौधरी साहब। विजय इंदर, जीत का सेहरा तो मैं लेकर जाऊंगा ही, जे तुम आड़े थोड़ी देर और खड़े रहे ना तो थारा ये टूटा है पहलवान तो मरेगा ही, तुमने भी कोई जिंदा ले जाने वाला नहीं बचेगा, सोच ले। इंदर, मौके की नजाकत को समझो, फिलहाल यहां से निकलने में ही फायदा है। वाह भाई छोरे, शेरे पड़े तू। ईब गरा चाला, माँ की भी डांट सुननी पड़ेगी जाके। आपने तो हमेशा अपने मन की करी है, बिना बात की दुश्मनी मोल ले ली ना उनते, मारे बारे में भी ना सोचे। तुम दोनों में से कोई सा गोली लग जाती तो आज ये संतो ना जीतती। माँ, मैं किसी के साथ लड़ने भिड़ने ना गया था, मैं तो मुकाबला देखने गया था माँ, पर बात जब बाबूजी की इज्जत पर आ गई तो बाकी ना रहती। कसूर इसका भी ना है संतो, ना मैं बेकार के इस मुकाबले का शौक रखता और ना यो झगड़ा बढ़ता, सारा कसूर है मेरा है। ना बाबूजी ना, मैं वो मुकाबला हार जाता तो ही ठीक था, सारा फसाद ही मेरे कारण हुआ है, कसूरवार मैं ही हूँ। बस बस, दोनों बाप बेटा अब अपने पे ले लेंगे नौटंकी कहीं के। सुनो जी। हाँ जी, आया जी। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। शांत इंदर शांत, अपने आप को क्रोध की ज्वाला में मत जला, अगर जलाना है तो दुश्मन को जला, ना कि जोश में बल्कि होश में, भगत आने पर। भगत भगत भगत, आखिर कब आओगा ये भगत? अरे पंडाल में बेइज्जती हुई है मेरी, जब तक बदला ना ले लूं मेरा भगत खराब ही रहेगा। अपने आप को संभाल इंदर, और यहाँ की राड़ को भूल जा, अब अहमद भाई के पलान पर ध्यान दे। आपने असले की हाँ तो कर दी, पर इतना आओगा कहाँ थे? तू फिकर ना कर दीपक, आंट तो दे अहमद भाई ने, सैंपल दिखा देंगे, फिर चाहे असले की जितनी मर्जी घाटी भर लियो।
अरे न फेंके। ना ताऊ जी, वे तो खेत में जा रहे हैं, सांझ ना आवेंगे। खेत में जा रहे हैं, सांझ ना आवेंगे। जाता देखा था, जब तो आया हूँ। ये मतलब? ये मेरा मतलब है कि मैं चाचू अग्नफे के बिना पूछ जाना हमारी। ना ताऊ जी, या के बात कही आपने? आप बैठो, मैं ये बना के ले आई। यो जमा तो भाई जान लेकर है हमारी। ले ताऊ जी पानी पी लो। है? पानी पी लो पहले। है? इसे गोरे चिट्टे हाथ के तो तेरी ताई के थे और के तेरे हैं। मन्ना तो इशाला कह देना तेरी ताई हाथ तू है। या की बात कहो ताऊ जी आप? ए ठीक कहूँ सू, वाय चाल, वाय ढाल, वाय नखरा, वाय गुस्सा, मन्ना तो इशाला कह देना तू नफे ना छोड़ का मेरी गल्ला। बस बुढ़े बस, इब की बार जबान ते एक अक्षर भी काट दिया ना, इस तोते जैसी जबान ने काट के बाहर फेंक दूंगी। तोते जैसी जुबान ने काट के बाहर फेंक दूंगी, ताऊ की ने फेंक के गी अपने प्यारे देवर की ने। हाँ, विजय तू था? हाँ, मैं था। तेरी गल्ला तो मैं बाजन ताई भी तैयार हूँ। अच्छा? हाँ। फिर उस नफे का क्या होगा? एक बात बताऊं विजय, जब ताई ब्याह ना होता ना, इतने या छेछरबाजी कर ले, जब वा बन्नो आवेगी ना, वा खींचेगी तेरे कान ना। मेरे कान? हाँ। और वा खींचेगी? हाँ। काम दे भुरदना मिला है उसने। वा, और काम करेगी, सुती पड़ी होगी किते। कमोन यार सुमन, जल्दी उठो, शादी में नहीं जाना है क्या? मुझे आए हुए एक घंटा हो गया। आंटी, उठाओ ना इसे। सुमन, सुमन बेटा, सुमन उठ बेटा, उठ, जल्दी से तैयार हो जा। सोने दो ना माँ। ए माँ तो सो लेने देगी बेटी, पर ब्याह के बाद तेरी सासू नहीं सोने देगी तने। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, घर का काम काज करना चाहिए, आखिर तने अगले घर जाना है। ए माँ, मैं तने छोड़ के ना जाऊंगी। ये सब कहन की बात है, जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा? मेरी बावड़ी बेटी, इबिन बोली बात ना छोड़ दे और घर का काम काज सीख ले। मने ना सीखना घर का काम काज, जिस किसी ने गर्ज होगी ना तो अपने आप करवा लिया करेगा। क्यों नीलम? बिल्कुल। अच्छा बेटे, इब जल्दी से उठ जा, देख नीलम ने कितनी देर होगी तेरा इंतजार करते करते। चल ठीक है माँ। या बियाद जे खराब होनी थी। देख कर नहीं चल सकते के अंधे कहीं के। हेलो मिस्टर, शुक्र मनाओ कि गाड़ी कीचड़ के ऊपर से गई है, अगर तुम्हारे ऊपर से जाती ना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता, समझे? और आइंदा कायदे से बोलना। विजय कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखता, समझी? शिट, यू यू नीलम, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। मुझे पता था तू ऐसा ही कहेगी, उस पागल लड़के के लिए तो अपनी सहेली की शादी में नहीं जाएगी।
चल बैठ गाड़ी में, वहां तक मूड फ्रेश हो जाएगा। ये देखो भाईजान, दिखने में छोटा है पर मार करने में बहुत तेज है। पर असला बहुत कम है भाईजान, हमें असला ज्यादा चाहिए। कोई गांव उड़ाने का इरादा है कि? सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम अहमद मियां, अब की बार पहले से कहीं ज्यादा जोश में हो, के बात है? कोई गहरी प्लानिंग है के? इस बार हम कोई चूक नहीं करना चाहते भाईजान, कुछ देर की बात और फिर सब कुछ हमारा होगा। तो ठीक है, जितना असला चाहिए मिल जाएगा। ये रही पेमेंट, असला कब और कहां देना है ये सब आपको वक्त आने पे बता दिया जाएगा। वो तो ठीक है अहमद भाई, आज रात आप हमारे मेहमान हो, जरा खातिरदारी का मौका दो, आखिर आप हमारे मुल्क में हो। इस मुल्क का नाम ना ही लो तो अच्छा है भाईजान, बहुत नाइंसाफी हुई हम लोगों के साथ, कभी कश्मीर कभी कारगिल, हर तरफ से मुंह की खाई है, लेकिन अब नहीं, अब कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी तमन्ना पूरी होगी अहमद मियां, हम सब आपके साथ हैं। एक बात तो है मालिक, इस बार भी अपनी फसल पूरी चौबीसी पर भारी पड़ी है और दाम भी चौखे मिल गए, अपने खेता की मट्टी सोना है सोना। बहुत बोल रहे हैं भाई, नजर लाओगा कि? यह धरती हमारी माँ है और हम सब इसके बेटे हैं, अपनी छाती ने चीर के या अन्न पैदा करे है, फिर इसी माँ के किसे की नजर लाग सके है ना। इब थम नू करो, ढाणी वाले खेत देखे आओ। ठीक है, और मैं पानी पी के थोड़ा आराम करूंगा। आ रहे जाओ तुम। अरे कोई बंदा भी ना दिखता, फिर यह गोली किसने मारी? मन ने मारी। संतो तो तू थी। क्यों चौधरी साहब डर गए थे के? डर तो हमने किसे ते ना लागता संतो, पर हाँ हजूर ते तो थोड़ा थोड़ा लग गए है। अच्छा, क्यों मने बिना बात के इल्जाम दे रहे हो? यो इल्जाम तो तेरे ऊपर सारी जिंदगी रहेगा संतो। तुमने तो शुरू होगा कोई न कोई बहाना चाहिए, छोड़ो मने। इब तो हम तने मरण के बाद ही छोड़ सका। मरे तुम्हारे दुश्मन, यो बात फिर ना कहियो। किमे तो बाइक ने परेशान कर लिया, किमे कपड़े बदलने के चक्कर में ले गए। भाई साहब सुनना एक बार जरा। हाँ जी। वो देख तेरा पीछा करते करते कहाँ तक आ गया। अच्छा, अभी मजा चखाती हूँ इसे। तू ऐसा कर, इसने अंदर बुला ले। ठीक है, जल्दी। अच्छा तो बारात कहाँ ठहरी है फिर? खासा स्कूल में ठहरी है जी, पीछे ने। पीछे? हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब। कोई बात नहीं। ए हेलो, मैं दीवार पे कॉकरोच। बदतमीज। अरे नीलम, तुम्हारी सहेली तो बुद्धू निकली।
मैंने कहा था ना, मैं कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखता। स्टुपिड। बाय। अरे बंद करो यो, डीजे बात जगाड़ है ना भाई, बजा बजा गाड़ है भाई, रे इस बात पे तो रोड़ा हो जाएगा। अरे अब किसी को झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मिस्टर विजय आप लोगों को गाना सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं जो कुछ भी गाऊंगा आप लोगों को हाना का जवाब देना होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यरेगाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम स्वाहा दुल्हा दुल्हन हाथ पकड़िए। सुना है तू प्लस टू में पास होगी? तो ओ दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, प्लस टू में पास हो गई। दरक 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 दरक। हाँ। सॉरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्यरेगाक्षाय। पागल। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है? हितकारी। हितकारी कॉलेज में? मारे कॉलेज में नहीं लिया। हाँ। गलती होगी। करो आप, करो करो। हाँ। तेरा नंबर क्या है? सात नंबर। सैंडल नंबर नहीं, फोन नंबर। अरे यार विजय, मेरा ब्याह होने देगा कि नहीं होने देगा? कदे कुछ कदे कुछ, उरे बैठ के देख मेरे जी ने के बन रही है। ओ भाई, तू अपना ब्याह करवा ले, हम अपनी सेटिंग बाद में कर लेंगे। है मेरे यार। यह बैठक आपसी भाईचारे के तहत हुई है। पिछले दिनों पानी की टंकी के बारे में जो पंचायती फैसला हुआ था, उस बारे में विचार विमर्श करने के लिए जिस किसी भाई ने कुछ बोलना है तो बोल लो भी। बोलना क्या है भाई करतार सिंह, मैंने भी तो टैंक खरीदा है, और जिस किसी ने खेत में पानी देना होगा उसने 11,000 रुपए सालाना देने ही होंगे। यो फैसला सरासर गलत है। एक गरीब किसान 11,000 रुपए कितने देवेगा? वो तो मेहनत में ही मारा जाएगा, और जब कुछ बचे ही नहीं गया तो ऊँ मारा जाएगा। उन गरीब किसानों के लिए इंदर के दरवाजे हमेशा खुले हैं चौधरी। जो भी गरीब किसान मेरे दरवाजे पे आके गिड़गिड़ावेगा, मैं रहम करके उसका पानी फ्री कर दूंगा। यो चौधरी धर्म सिंह, न कदे गिड़गिड़ाया और न कदे गिड़गिड़ाओगा, न तेरे दरवाजे पाओगा। हम मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत करने वाला इंसान कदे भूखा नहीं मरा करता। हाँ, एक बात का पछतावा जरूर रहेगा कि पंचायत परमेश्वर का रूप होया करे। तुमने जो ये फैसला कराया है इसका मैंने सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। हम सब मजबूर हैं चौधरी साहब, इंदर ने वो टैंक खरीदा है, और पिछले साल ये टैंक आपके पास भी तो था। हमने तो थारे से कोई पैसा नहीं लिया। यो तो अपना अपना हुनर हो से, कोई कमा जा कोई रह जा। हुनर नहीं, तीन ईमान। कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखता, समझी?
कॉकरोच कॉकरोच दीवार पे कॉकरोच। मत रे रानी राजा तू पार्टी तू आज मेरी जान प्लस टू में पास हो गई। धरक 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 धरक। सुमन यार डरा दिया ना। ओए क्या सोच रही थी? क्यों बताऊं? अगर बता देगी तो मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अच्छा वो छोरा कसूता ना है? अच्छा तो उसके बारे में सोच रही थी। मिलन का जी करे के। हाय राम। तेरा भी मन करता होगा कि उसको अपनी बाहों में। चुप भी शर्म। वैसे वो छोरा कल कॉलेज में आ रहा है। तूने तो अपना नंबर दिया नहीं पर मैंने अपना नंबर दे दिया था। सच्ची? मुच्ची। अरे कल कॉलेज में हमारा ही पहला दिन है, केबेरा कैसा माहौल पावेगा? तने कल क्यों बुला लिया? जो प्यार करते हैं ना वो माहौल की परवाह नहीं किया करते। अच्छा यो बात है। हाँ मेरी जान यो ही बात है। चल ते फिर आण दे जुल्मी ने। रे छोरी इधर आ। मैं? हाँ हाँ तू। वो देख उस्ताद खड़े हैं, चल नमस्ते कर। ना करूँ तो? ना करेगी तो हम करवा लेंगे, चल नमस्ते कर। नमस्ते। चल निकल। उस्ताद जरा एक नजर उधर भी मार लो, टोप का माल आन लाग रहा से। वाह भाई वाह, के तेवर हैं। विकी। जी उस्ताद। इस कॉलेज में जो भी नया एडमिशन हो उसे किसके अंडर में रहना पड़े है? उस्ताद के अंडर में। सुना तो था कि कॉलेज में सिर्फ रे पागल हुए हैं, पर तेरे जैसे हुए हैं? छोरी अपनी जबान न संभाल कर रख। बोलन चौकी नहीं छूटूंगा। मेरी जान बहुत गर्मी है तेरे में तो, तू शंकर ते पंगा लेन लाग रही है। चल चल लड़की देखे तो कोई भी शेर बन सके है, जिस दिन किसी मर के फंसेगा ना उस दिन सारी रात तेरा बदन चीसेगा। बदतमीज। उसकी क्लास लेवांगे, चलो। ओए रो वह लड़की दिखे है, जा उसने बुला के लिया। सुमन ना देखते हैं कितना दम है तुम्हारे हीरो में। क्यों तेरे बाप का नौकर हूं, भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, जाके बुला लिया। अगर अपनी बाइक की सलामती चाहवे है तो वापस आ जा बेटा। नीलम कुछ नहीं होगा यार, डोंट वेरी। बाप को बेटा बोलता है। हाँ
विजय। तो ये सब करवाने के लिए बुलाया था है? नीलम, मैंने कहा था ना कि इसने मुझसे ढंग से बात करनी ना है, फिर लड़न लग गया। ओए, लड़ मैं रहा हूँ, तू रही है। अच्छा बाबा सॉरी, गलती मेरी है, मैंने बुलाया था। तू अब मेरे कहे थे जा, कल आ जियो। करूंगा विचार सा। नीलम, तन्ने उसे कल क्यों बुलाया? अरे यार, थमने इब तो झगड़ा शुरू कर दिया था। कल वैलेंटाइंस डे है मेरी जान, कल प्यार का इजहार कर देना। क्यों निकल गई सारी दादागिरी? कॉलेज में तो बहुत हीरो बना था। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा पुरानी तेजाब फैक्ट्री में। क्यों शंकर, निकल की सब दादागिरी? मन सुने अरे घना शोक है तने नमस्ते करान का। चल नमस्ते कर। That's like a good boy. सुमन, वो देख आ गया तेरा हीरो। अरे यार, ऐसे शर्माएगी तो कैसे काम चलेगा? उठ और खड़ी हो, सिपाही की तरह तन के जा और सब कुछ साफ साफ बोल दे। अच्छा ले तो फिर। वैसे जहां तक मेरा मानना है तो एक शरीफ लड़की को इस तरह किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ई, सिपाही की तरह तनके। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती।
फिर ऐसे इतनी दबी दबी आवाज में क्यों कह रही हो? सिपाही की तरह तन के बोलो। पेट अंदर ब्रेस्ट बाहर। बोलो, मैं आपसे प्यार करती हूँ सर, और मैं आपके बिना नहीं रह सकती सर। मैं आपसे प्यार करती हूँ सर, और मैं आपके बिना नहीं रह सकती सर। मैंने कहा था ना सुमन, तुम सचमुच बुद्धू हो। विजय, हाँ? जी नमस्ते। कहिए जी, मुझे विजय से मिलना है। विजय से मिलना? आओ। बैठ जाओ। यह कौन है? राम जाने कौन है, अपने विजय ने पूछ रही है, और कपड़े भी किमा दे पैर रही है। कदे अपने विजय की गैल पढ़ती हो और उससे मिलने आई होगी? गांव के लंगवाड़ा ने इसके लत्ते तो ना पाड़ दिए। हो भी सके है। फिर तू नू कर, अपनी जवानी के कपड़े ले आ और वो दे दे इसने। ठीक है। जी नमस्ते। जी तीरो बेटी, आए की बनी तेरी गेला? मतलब? कुछ ना, ले बेटी ये कपड़े पहन ले, गांव का ही सही माहौल होया है। क्यों, इनमें क्या लगा हुआ है? ये लग गया तो कुछ ना है, एक मीटर चीथड़ा भी ना लग रहा इनमें। ले ये कपड़े पहन ले। माँ, ए माँ, आज मैं कॉलेज में शर्त जीत गया। सुमन तू? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा बहन है, तू तो मेरी माँ है। मैं सुमन हूँ। पर तू तो मेरी माँ बरगी लागे है। क्या? के क्या? तेरी माँ बरगी लागे है? ना पिताजी, सुमन ने बरगी लग गए है। ले शंकर, के देखे है? बहुत दूर तक मार कर रहे हैं। अच्छा। बस कुछ दिन और टाइम पास कर ले कॉलेज में, फिर विदेश में ही रहेंगे। वो बात तो ठीक है भाई, पर जो कुछ भी करना है जल्दी करो। यू ले भाई। ले। जब यो रिवॉल्वर मेरे पास है तो इस छुरे का क्या करूंगा भाई? यो कोई मामूली छुरा ना है। लो इन्हें कागज की तरिया चीर देगा, कागज की तरिया। अच्छा, अगर ऐसी बात है भाई तो उस विजय के बच्चे ने पकड़ ले आज। विजय, वो चौधरी का छोरा? आप कैसे जानो भाई? मारी तो पुरानी दुश्मनी है उसके। ला पकड़ लो साले ने, कुछ आदमी हथियार केला ले जाओ। एक आदमी ने मारने खातर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है दीपक।
वो चौधरी का छोरा है, बहुत गर्मी है उसके खून में, बहुत तरारा है उसकी चर्बी में, इतनी जल्दी हत्थे ना चटेगा वो। आज मौका है तो क्यों जान दे उसने, जाओ। बहुत लक्की है रे तू, आज ही मेरा हाथ माई, आज ही तेरी बहनी भी हो जाओगी। बेटी हम तो सीधे आदमी हैं और सादा ही पहनना पसंद करें, हमने शहर के पहरावे तो कोई ऐतराज ना, पर गांव का माहौल तो गांव का ही हो है। वैसे इन कपड़ों में मेरी बेटी चांद का टुकड़ा लगे है। अच्छी अरे रे देख के ठीक क्या कर मेरे यार, डरा दिया होता। मैं कहती ना दोनों बाप बेटा नौटंकी हैं, या तो इन पर मार पिटाई करवा लो या इन पर हंसी मजाक कितना ही करवा लो। मारा कुछ जिक्र सा होया। देख मैं कहूं थी ना ये दोनों बाप बेटा नौटंकी हैं। दो तीन घंटे का नाम लेके गई थी, बिराना कित रहेगी, मोबाइल भी घर पे ही भूल गई। तेरे ते तो कुछ कह के गई होगी। आंटी अगर मन ने बेरा होता तो मैं उसने बुला ना लेती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, पुलिस में रिपोर्ट करवा दूं तो। कमाल हो गया आंटी, इससे पहले के वो बाहर गई को ना, स्कूल के कैंप में भी तो गई थी 10 दिन। जब तुम उसके साथ थी और बच्चे भी थे, इब तो वह अकेली है और इतनी देर तो घर तो बाहर वाक देना रही। ठीक है आप मेरे कहे थे शाम तक इंतजार कर लो, अगर फिर भी ना आए ना तो पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे बस। ले बेटा भूख लग जाए तो रास्ते में कुछ खा पी लियो और अपना ध्यान रखियो। जान देना संतो, फौज में थोड़े जावे है, सुमने तो छोड़न जावे है, छोड़ के उल्टा आ जाएगा, जा बेटा। अच्छा पिताजी। अच्छा माँ। जीता रहो बेटा, जीता रहो, जीती रहो बेटी। और बाइक ध्यान ते चलाइए। ठीक है पिताजी, चले। अपनी माँ से बात कर लिए सुमन? हाँ मैं कर लूंगी। मैं नहीं बोलूंगा उड़ा। हाँ कोई बात नहीं। चलो। हाँ चलो। केसला है? केसला है, कुछ तो शर्म करो, दरवाजा खुला पड़ा है। अरे साचे रे, दरवाजा तो खुला पड़ा है। हे भगवान, मेरा ना कदा कलाव की। पता है विजय, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। क्या हूँ? यही कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा कैसे? क्योंकि वे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी समझते हैं। अब तुम्हें ही देख लो, तुम शहरी तौर तरीके की लड़की हो, तुम्हें भी कैसे हंसते हंसते गले लगा लिया, फिर हुए ना अच्छे। हाँ विजय वो सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो आज हम तेरी इसी करेंगे कि तेरा पूरा शरीर ने गोलियां तक छन्नी कर देवेंगे, छेद गिनन आले ने भी ताज्जुब होगा कि एक आदमी को मारन खातर इतनी गोली बर्बाद कर दी। अगर सुमन मेरे साथ ना होती ना तो जिन किराए के टटमंजों के सारे तो इतनी बात कर रहा है, इतनी सी देर में ना वो होते और ना उनके निशान। और रही तेरी बात तो तुझे सिर्फ इतना मारता कि जिंदगी भर जब भी तू आईना देखता
तुझे मेरी याद आती। शंकर ना मारेगा तू, शंकर ना, हैं? शंकर ना मारेगा यो, मारे तो आज दूंगा तू। बहुत गर्मी है ना तेरा खून में, बहुत बिगड़ेल है तू, पर आज कैसे बचेगा तू? तूने आज तक मेरी दिलेरी देखी कभी भागते हुए देखा हूँ? क्या? कभी भागते हुए देखा हूँ? भाग, मार डालेंगे साले। अगर जिंदा बच गया तो अपने आप आ जाएगा, छमिया ने उठा लो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फिर चल रहे तेरे, अबे गाड़ी क्यों रोक दी? विजय, उड़ा दे साले ने। साले, कोई बात नहीं शंकर, फिर किसी दिन फंस जाएंगे। अजी फंस तो हम गए, सुबह से भटक रहा हूं, कोई ढंग से पतांदा ही नहीं, डाक घर दा पता। बले 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 बले। कुम पीर के फिर खेतों में आ जांदा हूं। बचा,
नया नया तबादला होया है, कदों नौकरी हथों ना निकल जाए। क्या बात है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बस परेशान अजी, बहुत परेशान। भाई बुरा मत मानना, पता नहीं हरियाणा दे लोग हैं कैसे। किसी से पता पूछो, कोई इधर भेज देंदा है, कोई उधर भेज देंदा है। भाई मारे पंजाब में अगर कोई परेशान हो ना तो घर छोड़ के आंदे है बंदे नू। ऐसा है मारा पंजाब और एक हरियाणा है। बस भाई साहब बस, हरियाणा के बारे में कुछ मत कहना। आपका पंजाब महान है, महान रहेगा, लेकिन हमारा हरियाणा भी महान है और महान रहेगा। अब रही बात एक आध शरारती बंदे की, वो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मुझे लगता है किसी ने आपके साथ शरारत की है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे हरियाणा को ही गलत बता दें। अच्छा, ऐसा की है हरियाणा में? हमारा हरियाणा होए, देसी पीना खाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा हाट का सरहाना होए। हमारा हरियाणा होए, देसी पीना खाना होए, खाट ऊपर जाट बैठा खाट का सरहाना होए। हमारा हरियाणा होए, देसी पीना खाना होए, खाट ऊपर जाट बैठा खाट का सरहाना होए। हमारा हरियाणा होए। कंठ्या कलाण हो, चमण के रपेड़ के नीचे गेल भगवान हो, गहरी गहरी छाया के मां नैन मिलाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा हाट का सरहाना होए। हमारा हरियाणा होए, चुपड़ी रोटी सिर सम का साग हो, पतवे का रायता और लस्सी का गिलास हो, गड्ढे के मचूल्हे आगे बैठ के खाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा हाट का सरहाना होए। हमारा हरियाणा होए, दो चार सुथरे डांगर बलदा की जोड़ी हो, धूल उड़ा तिर चले अफगानी घोड़ी हो, बैठ के खेता के मां चक्कर लगाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा हाट का सरहाना होए। मारा हरियाणा होए, कच्ची है रो कच्चा ट्रैक्टर कूण बा कमावे सारा, सांझ ने बैठ के मां कट्ठा हो भाई चारा, बड्डे की चौधरी के मां ओकार बजाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा हाट का सरहाना होए। मारा हरियाणा होए।
कमाल हो, कुर्सी कमाल हो, सिर पे बरोटा रे ल्यावे शेरनी सिताल हो, शेरनी सिताल हो, छोरा के दिल पर होए तीर तलाना होए, हाथ ऊपर जाट बैठा हाथ का शराना होए, मारा है रियाना होए देसी पीना खाना होए, हाथ ऊपर जाट बैठा हाथ का शराना होए, मारा है रियाना होए। ओए बादशाह मन गए तेरे हरियाणा नु। बड़ा अजीब छोरा है। कितना प्यार कर रहे है मेरे से? अपनी जानते जाता। मेरे पे कितना मरे? तेरी जानते जाता। फिर भी दिक्कत। गंदी बात, अच्छे बच्चे, अच्छी बात। अब चल, रात होने से पहले तने घर छोड़ दूं। घर पे इन कपड़ा में चलेगा? मजबूरी है, और कोई चारा भी तो नहीं। सोच ले, मम्मी ते पहली बार मिलेगा। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? बुद्धू, रास्ते में मार्केट है, वहाँ से खरीद के पहन के चल पड़िए, समझा? कुछ ज्यादा शौक है सासू ते मिलन का? ओहो सासू, चुपचाप चाले, मेरी माँ ने पसंद ना आवे तू। सुमन, तेरी माँ का पसंद आना भी नहीं चाहिए। तेरी माँ तो शादी थोड़ी करनी है। जिससे शादी करनी है उसके पसंद आए रहा। वो चौधरी और उसका छोरा हर बार बच्चे हैं दीपक, हर बार। एक काम करे तो चौधरी के घर न उड़ा दिया तो। ना भाई ना, इन छोटे मोटे पंगे न छोड़ और अपना ध्यान अहमद भाई के पलान पर लगा। अरे हाँ, वो हथियारों की डिलीवरी भी तो करनी है उनकी। हाँ, वो पासपोर्ट और वीजा का क्या होया? वो सब तैयार है, बस परसों का इंतजार है। परसों? अरे मोटे दिमाग, परसों तो डिलीवरी है। अहमद भाई का फोन है भाई। सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? खैरियत है। परसों कब और कहाँ आना है ये कल शाम को बता दिया जाएगा। ठीक है अहमद भाई, बेधड़क अपना काम करो, हमारी ओर से भी सब तैयारियां हैं। भगवान ने चाहा तो इस पर फतेह हमारी होगी। आमीन आमीन। मैं बात नहीं करूंगा, मैंने पहले ही कह दी थी। ठीक है बाबा। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। तेरी वजह से। या पैंट ले ले या टी शर्ट ले ले, खरीदने खरीदने में 2.5 घंटे लगा दिए तेने। चल, एक नंबर का लग रहा है। अच्छा हाँ, यह बात है, यही बात है। तो चल फिर। लगता है आ गई आंटी। जाके देख तो सही। अच्छा आ गई आंटी। देखा आंटी, मैंने कहा था ना किसी फ्रेंड के घर गई होगी। आप खामखा परेशान हो रहे थे,
अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता देना। सुबह से परेशान है, कुछ सोचना चाहिए, बता के नहीं जा सके थी। ओ, तो ये बात है। जी, यही बात है। आइए। चलिए। जी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहे बेटा। माँ, ये वो मुझे मुझे नहीं नहीं मुझे नहीं नीलम को। नीलम को? नहीं नहीं आंटी, ये नहीं, नहीं नीलम को नहीं, ये वो। जी, मेरा नाम विजय है और मैं मीरपुर गांव के चौधरी धर्म सिंह का बेटा हूँ। सुमन और मैं एक शादी में मिले थे, तभी से हम दोस्त हैं। बस अब हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाबूजी को भेज दूं। पर इस बात का जिक्र सुमन ने तो कदे नहीं करा। क्यों सुमन, यो ठीक कैसे? हाँ माँ, मैं और विजय बस, और कुछ कहने की जरूरत ना से। तेरे ते तो यो छोरा है ठीक, कम से कम आज आया था और आज जाई बता दी। आंटी वो, तू तो चुप कर, बिगन गिजड़ तो तू ऐसे। बेटा, परसों सोच समझ के जवाब दे देंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। ओहो, अंधेरा हो रहा था इब तो, सवेरे चला जाता। जी वो, रस्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी, वो लेके जानी है। अच्छा विजय, अगर वो इतनी हिम्मत ना है उनमें कि इतनी रात में मेरी राह देखते होंगे। बेटा, यो किन का जिक्र है? जी कोई नहीं, मेरे दोस्त हैं। पता ना क्या बात है, आज विजय ने ना तो रोटी खाई ना कोई ढंग से बात करी। जब तो सुमन के घर तक आया है, कपड़े बदल के चुपचाप सो गया। हारया थके आया होगा और फिर सोन का टाइम हो रहा है, नींद आ गई होगी। थकावट का तो मेरे बच्चे को पता भी कोन्या। बात कुछ और ही है। अच्छा, फिर मैं सवेरे बात कर लूंगा उससे। सवेरे क्यों, इब क्यों ना? वो नींद में होगा। चौधरी साहब, जब से वो आया है बेचैन सा है, मेरे बच्चे को नींद ना आई होगी। चलो चल के देखें। फिर तू रहने दे, मैं देख आऊंगा। विजय। अरे बैठ जा। इवा बात ना है कि बाप बेटा एक चारपाई पर ना बैठ सकते। ईब तो बेटे बाप गेल्या कंधे तक कंधा मिला के चले हैं, और फिर तू और मैं तो यार दोस्त हैं। वाह, तेरी माँ कब है थी तने कुछ खाया पिया नहीं, के बात है बेटा? भूख ना है पिताजी। मेरे बावड़े बेटे, तने तो झूठ भी नहीं बोलनी आती। कदे सुमन गेला कया सुनी तो नहीं होगी है ना पिताजी? ना भाई, बात तो कुछ ना कुछ जरूर है। सच बता, तने मेरी कसम। पिताजी, सुमन के बिना मन ना लगता मेरा। कुछ ही घंटे पहले मेरे साथ थी, ईसा लग गए जहाज ने 24 घंटे मेरे साथ ही रहे जा। 24 घंटे नहीं, सारी जिंदगी की कह। मैं कल है उसकी माँ तो जाकर बात करूँ हूँ। उसकी माँ ने परसों तक का टाइम दिया है पिताजी, परसों तक इंतजार कर लो। पर एक शर्त पे करूँगा, जे तू ठीक ढंग से रहे
ठीक ढंग से खावे पीवे तो ठीक है पिताजी। चल रोटी खा ले, तेरी माँ बाढ़ देखने लग रही है। चलो पिताजी। खाना तो मैं ले आई। खुआ अपने लाडले बेटे ने, खा ले बेटा। बेटा मन तो मारा भी ना लगे, सुमन भी ना, पर करें कि पराई है, घर में भी ना रख सकते। अरे तुम माँ बेटा क्यों चिंता कर रहे हो, एक बार उसकी माँ की हाँ हो जान दो, इससे महीने में ब्याह का लठ गाड़ दूंगा। इतनी जल्दी भी ना है पिताजी। जल्दी है ना यार, चक्कर यो है कि मन मेरा भी ना लागता। सारी आना मजाक करे जाएंगे। ओहो, क्या हम जान सकते हैं कि इस बेरुखी का कारण क्या है? आप जानते हैं। 5 मिनट लेट होने पर इतना गुस्सा, तुम क्या जानो कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। ए, शायद इसीलिए परसों बरसों में आया है। हाँ? अच्छा बाबा सॉरी, पर मैं क्या करूं विजय, जब तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता तो। सुमन, 2 दिन में ये हाल है, और अगर मैं कल को ना रहा तो। हाँ, ऐसा कभी मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा बाबा, ये बताओ मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। सच्ची? हाँ मुच्ची। लेकिन सुमन, मने ना करनी तेरे शादी वादी, मैं तो तेरे मजे ले रहा था। विजय! हाँ? मान गए भाई जान, के चाल चली है? टारगेट दिल्ली, डिलीवरी शहर से बाहर सुनसान इलाके में काम सौंपा हरियाणा के बंदों को। वाह भाई वाह। इतने बड़े मुल्क पर कब्जा करने खातर शातिर दिमाग चाहिए, और शातिर दिमाग आप में है अहमद भाई। थका दिया, बहुत तंग करते हो। बस इतना और बता दो अहमद भाई कि हमें और क्या करना है। अब तक तो सिर्फ तैयारियां चल रही थी अंदर, हकीकत में काम तो अब शुरू हुआ है। ये फ्यूज देख रहे हैं आप, जब इसे मिसाइल में डालकर ऑपरेट करेंगे ना तो ना दिल्ली रहेगी और ना ये सरकार। सुमन तू जा, पुलिस ने इन्फॉर्म कर दे। हाँ, पर विजय तुम। तू मेरी फिक्र ना कर सुमन, जा। फिर तेरी किस बात की है भाईजान? तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है इंदर, बस एक बार ऊपर से ऑर्डर आ जाए फिर हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल ना बना दिया तो मेरा नाम भी अहमद जलालुद्दीन नहीं। तड़फा तड़फा के मारेंगे नामुरादों को, एक एक औरत एक एक बच्चे की चीख से गूंज उठेगा पूरा हिंदुस्तान। अपनी आबरू बचाने के लाले पड़ जाएंगे जवान लड़कियों को, और हम लाशों के ढेर पर पैर रखकर अपना झंडा फहराएंगे। और ये मिट्टी जिसे भारत माता कहते हैं फिर से गुलामी की जंजीरों में कैद होकर सिसक सिसक कर रोएगी। ओ तेरी ऐसी की तैसी अहमद जलालुद्दीन। और सब अपने हथियार फेंक दो, वरना अहमद जलालुद्दीन कबल लागो प्यारे हो जाए, मैं भी नहीं जानता। हथियार जल्दी करो। क्यों अहमद जलालुद्दीन, एक हिंदुस्तानी से टक्कर लेने की औकात नहीं,
और बात करते हो पूरे हिंदुस्तान की। गौर से देख इस मिट्टी को, खून से लाल करना चाहता है इसे, गुलामी की जंजीरों में कैद करना चाहता है इस मिट्टी को। अरे ये वो माँ है जिसकी कोख से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा जन्मे हैं। तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन इस मिट्टी की खुशबू को जरा सा भी तहस नहस ना कर सके, गुलामी की जंजीरों में कैद करेंगे। और तुम गद्दारों, अपनी ही माँ का सौदा करने चले हो ना, तुम्हें तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। आतंकवादियों का साथ दे रहे हो ना तुम, तुम भी आतंकवादी हो। गौर से सुनो, हम हिंदुस्तानी हैं, शांति प्रिय देश के नागरिक, पहल नहीं करते, लेकिन अगर अपनी हरकतों से कोई बाज ना आए ना, फिर उसे छोड़ते भी नहीं। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार हमें एक दिन के लिए भी मोहलत देना, तो तुम जैसे गद्दारों को मारने के लिए हमें हथियारों की जरूरत नहीं। देसी मुक्के ही काफी हैं, हिंदुस्तान को गुलाम करेंगे। वो फ्यूज दे। क्या? वो फ्यूज दे जो इस मिसाइल में डालना है। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी आसानी ते ना जान देंगे भाई, पहले सारा हिसाब किताब बराबर होगा। ये रिवॉल्वर तो मन ने दे, और देख ये रहे तेरे माँ बाप और यह रही तेरी छमिया, पुलिस में इन्फॉर्म करन जाओ थी। इंदर, विदेश जानता पहले अपने मन की निकाल ले। यो रे चौधरी। शंकर, वो मेरे माँ बाप हैं, अगर वो नहीं तो फिर तू भी नहीं। भाई तने तो सारा गेम ही बदल दिया शंकर, मजा आ गया, मजा आ गया। चौधरी ते बदला ना लिया होता तो जिंदगी भर घुट घुट के भरता मैं। यह ख्वाहिश तो मन की मन में रहेगी इंदर, कदे पूरी ना होएगी। बहुत शौक है ना चौधरी मुकाबला जीतने का, आज जीत के दिखा, दिखा आज जीत के, आज तो खुद मुकाबला लड़ेगा। पता है मेरी तरफ से दावेदार कौन होगा? तेरा बेटा विजय।
मेरे तीन किन्ने तक फ्यूज लेके आ जा, नहीं तो मैं इंदर वाली भूल नहीं दोहराऊंगा, खत्म कर दूंगा तेरे परिवार को। हमारी चिंता मत कर बेटा, ये देश का सवाल है। विजय तू मेरा बेटा है, ये फ्यूज इनको मत देना बेटा। ठहरो, पहले मेरे माँ बाप और सुमन को भेजो। पागल समझे के तू उधर था, ये इधर ते जाएंगे। ठीक है। चलो चलो। बेटा तू ये क्या कर रहा है? ध्यान रखिए विजय, ये फ्यूज उनती नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि बे औलाद हूं, मेरे कोई बेटा नहीं। लाओ फ्यूज दे। बड़ा बेवकूफ है तू, कितनी दूर चले जाएंगे तेरे माँ बाप, अपना तू बचेगा और ना तेरे माँ बाप। बेवकूफ तो तुम लोग हो, बड़े होशियार बनते हो ना अपने आप में। हिंदुस्तान को गुलाम करने का तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा अहमद जलालुद्दीन। हम हिंदुस्तानी अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। हमने देख, हम उसके माँ बाप होके भी सबर कर रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, मैं इसी घर में रहूंगी, अब यही मेरा घर है, इसी घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी आप लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। बाबूजी, आप लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। सुमन बेटी, तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी बच्ची। नहीं, कभी ना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, या तो आप लोगों के साथ आपकी सेवा में, नहीं तो मेरी भी मौत। नहीं बेटी, नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी।
जाएगी बेटी, कहीं नहीं जाएगी, तू इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर रहे, मेरी बेटी बनकर रहे। गांव का एक नटखट चुलबुला होनहार लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है, देश के मान सम्मान की बात आने पर अपनी जान की बाजी लगा देता है और उस पर कुर्बान हो जाता है। उसकी कुर्बानी एक आम आदमी की मौत न मानते हुए, एक शहीद के दृष्टिकोण से देखते हुए ये मेडल उनके पिता श्री चौधरी धर्म सिंह को दिया जाता है। बात ये नहीं है कि आज विजय नहीं है, बल्कि बात यह है कि आज हर तरफ खून खराबा, दंगे फसाद, बम ब्लास्ट, ट्रेन धमाके, अफरा तफरी, इसको मार देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, आतंक ही आतंक, बस और कुछ नहीं। एक आम आदमी कैसे जिए, कब बंद होगा ये खून का सैलाब, कब आदमी आदमी के खून का प्यासा नहीं होगा। अभी कारगिल और बंबई धमाकों के जख्म तो भरे ही नहीं थे, हमें एक जख्म और दे दिया। अगर हमारे मरने से ये आतंक बंद होता है तो नहीं जीना हमें, नहीं रहना ऐसी जगह पर जहां भाईचारा कम और दुश्मनी ज्यादा हो। हमारा विजय वीरता के साथ लड़ा, शहीद हो गया, हमें फक्र है कि उसने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन हम अकेले रह गए, हमारा बुढ़ापे का सहारा चला गया। आतंक की लड़ाई के अंदर न जाने कितने विजय चले गए, उनके माता पिता भाई बहन पत्नियां अकेले रह गए, उनमें से हम भी एक हैं। बस शिकायत है तो ऊपर वाले से इतनी कि हमें एक विजय और दे देता। बाबूजी, मेरे विजय बेटे, विजय और बच्चे, बाबूजी चलो बाबूजी।